हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले लेक्चर में पांच कर चुके थे, आज हम सिक्स्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए छठे से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने बोला था एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर, ये बहुत बड़ी बात है, रियल नंबर है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है। हम ये शो करके दिखाना है कि ये पूरा वन के बराबर आएगा। ठीक है ना, देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए, ये रियल नंबर है, मतलब समझ रहे हैं ना, रियल नंबर का मतलब यहाँ पे नेगेटिव में कोई नंबर नहीं आ सकता, अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने बोला रियल नंबर है। अब मुझे ये शो करके दिखाना है कि ये पूरा किसके बराबर आएगा, वन के। तो सबसे पहले आप लिखिए सोल्यूशन। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, और इसमें दो तीन चीज लगने वाली है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। देखिए, ए की पावर माइनस वन या फिर एम हो, अगर ए की पावर नेगेटिव में हो तो लिख सकते हैं वन अपॉन ए और एम। ठीक है, ये चीज लगेगी इसमें, तो आपको ये ध्यान से देखना है और बड़े प्यार से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x की पावर नेगेटिव, y की पावर नेगेटिव और z की पावर नेगेटिव। सबसे पहले आप इन्हें सॉल्व कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, y का y। ठीक है, फिर देखिए अगर यहाँ पे x की पावर माइनस वन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन x की पावर वन। ठीक है, या फिर सिर्फ ओनली x, बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन x। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन x। ठीक है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, x। फिर यहाँ पे देखिए इसी तरीके से, ये क्या है मेरा जेड, इसके नीचे क्या आ जाएगा, वाई। फिर सेम हियर, यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, एक्स और इसके नीचे जेड। और ठीक है ना, पहले मैंने कौन सी साइड ली, आपको तय करना है मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ। ये वाली साइड ले रहा हूँ, ये मुझे पूरा वन के बराबर प्रूव करना है, तो मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर ए की पावर एम है, ठीक है, और बी की ए की पावर एन है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, मतलब कहने का ये है कि अगर मेरी पावर, अगर एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, या फिर एक बात देखिए, एक और बात मैंने आपको बता रखी, अगर अंडर रूट में कोई भी नंबर, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, ठीक है, दोनों पे पावर तो सेम है। देखिए यहाँ भी पावर, यहाँ भी अंडर रूट ए है और यहाँ पे अंडर रूट बी, तो मैंने बोला था आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सेम हियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ये अंडर रूट हो गया, और ये तीनों चीजें मेरी क्या आ जाएगी अंदर, तो वाई अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, इससे ये खत्म, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, अंडर रूट वन। ठीक है, और अंडर रूट वन मैंने बता रखा है आपको, अंडर रूट वन क्या होता है, हमेशा वन होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, वन हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन था, बस एक ही चीज यहाँ पे जरूरत है, आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करते हैं, तो आप नोट करिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रखा है मैंने, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो है हमारा सेम है। ठीक है, देखिए एक्स की पावर, एक्स की पावर ए बी माइनस सी। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है हमारा एक्स बी और फिर ए माइनस ए, सॉरी ए माइनस सी। फिर उसके बाद क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, एक्स बी। ठीक है, और फिर बाहर क्या है हमारा, और नीचे क्या है हमारा, एक्स की पावर सी, और यहाँ पे है पूरे में x की पावर c, और यहाँ पूरे में हमारा इसकी पावर पूरे में c। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये वन के बराबर, तो देखिए दोस्तों पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लिखिए आप, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। देखिए इसको करना है किस तरीके से, देखिए सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैंने बता रखा है अगर ए की पावर एम है और ए की पावर एन है तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, ए एम माइनस एन। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ तो चीज आराम से फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, ठीक है, ताकि बिल्कुल खुल जाए पूरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो यहाँ पे बताइए मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, एक्स मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड
साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए ए को बी से क्या आ जाएगा, ए एंड बी, फिर फिर यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, फिर ए को मैं सी से कराऊंगा तो क्या आ जाएगा ए एंड सी, फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा एक्स ए बी, ठीक है, बी को ऐसे करा ए बी माइनस बी सी, तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे क्या है हमारा डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या है देखिए एक्स, अब देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन बी है ना इस वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी, और बाहर क्या है हमारा सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये दोनों फिर इसी फॉर्म में आ रहे हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं पावरों को, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स ए बी माइनस ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आपको ब्रैकेट का यूज करना है ए बी माइनस ए सी, क्योंकि ये माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा, ब्रैकेट आपको लगानी है, ठीक है ना, अगर सामने माइनस का निशान आता है तो। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा अगर ए की पावर एम है और उसके बाहर क्या है हमारा एन, तब उसको क्या लिखेंगे एक्स एम ए एम एन पावर सी, ठीक है, तो यहाँ भी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सी बी माइनस सी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है ना, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। फिर ये देखिए ये क्या माइनस नेगेटिव में ए बी, फिर ये देखिए नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे दोनों मिलके पॉजिटिव, पॉजिटिव में बी सी, फिर डिवाइडेड बाय एक्स, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा सी बी माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है, ये देखिए पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, ठीक है, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और कुछ तो नहीं हो रहा, नहीं तो फिर हम आगे करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स, और यहाँ पे क्या है बी सी, बी सी माइनस ए सी, ठीक है, कुछ गलत है सब कुछ, क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्वेश्चन एक मिनट चेक कर लेता हूँ एक बार, कुछ गलत तो पक्का है, हाँ एक चीज गलत है, मैंने देखा कि हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ए आएगा, सॉरी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं ठीक से, यहाँ पे ए आएगा, तो इसी तरीके से मैं सब में ए कर दूं, यहाँ पे देखिए बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए का ए और सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ए और सी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इनका मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ भी गलत है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे ए है, फिर नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या है इसकी पावर सी है, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो जाएगा सी ब्रैकेट बी माइनस ए, तो मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा सी बी माइनस सी ए, हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ये है, और इनमें क्या आ जाएगा डिवाइड में, देखिए डिवाइड में ये पूरी चीज है एक्स सी बी माइनस सी ए, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स बी सी माइनस ए सी, दोबारा ये इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में पावर माइनस हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम सी बी, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, फिर यहाँ पे क्या आएगा सी और ए, ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, फिर आगे करेंगे तो आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी, ठीक है ना, माइनस ए सी, फिर देखिए यहाँ पे माइनस को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में सी बी, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए सी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, हाँ ये देखिए दोनों सेम सेम है, ये क्या मेरा BC और ये भी BC ही है, चाहे आप इस तरीके से लिखिए BC या फिर CB, बात तो वही है, चाहे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 3 को 2 से, आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा, तो वही चीज़ है, ये दोनों कट गए हमारे, सेम इस तरीके से ये दोनों भी कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 0। देखिए अगर x की पावर 0 है, मैंने बता रखा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या मिलता है हमें 1, आंसर क्या मिलता है 1, देखिए आंसर 1 हो गया, और ये किसके इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड से, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया मेरा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, नोट कर ले पहले आप इसको,